नमस्कार छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ ही होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले दिनों हम लोग अकबर वाले टॉपिक पे बात किए थे, मुगल एम्पायर अकबर पे बात कर रहे थे। हालांकि अकबर लंबा टॉपिक था, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा। आपको चार पार्ट में अकबर का वीडियो मैंने दिया है आपको, तो उससे थोड़ा सा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अकबर बहुत अच्छा टॉपिक है, मुगल का जैसे माना जाता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए और कंसेप्चुअल बातों को समझने का कोशिश कीजिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना विचार आपसे व्यक्त करूं, तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। आप बातों को एक दूसरे से कोरिलेट करके समझिएगा तो वह आपके दिमाग में लंबे समय तक टिके रहेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक जो है जहांगीर पे चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह जहांगीर है, तो थोड़ा सा आप लोग बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि आज हम लोग जहांगीर पे बात करने वाले हैं। देखिएगा, आज हम लोग जहांगीर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जहांगीर वाले टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है मुगल और दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है। लेकिन हमको भारतीय इतिहास के हर पहलुओं पर चर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि हम मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत ही पढ़ेंगे, केवल भारतीय इतिहास के उन हर पहलुओं पर चर्चा करना है, उन हर वंशजों पर चर्चा करना है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज बात करना है जहांगीर पे। पिछले क्लास में हम लोग अकबर पे बात किए थे, भारतीय इतिहास के अकबर के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लिए थे। अकबर से हमारे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं से भी प्रश्न अगर अकबर से एग्जामिनर बनाता है तो वो छूटने की चांस नहीं है। आज हम जहांगीर पे बात कर रहे हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड थोड़ा सा देखिएगा, 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1605 से लेकर 1627 के बीच रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इन 22 साल के जो कार्यकाल है जहांगीर के, इस 22 साल के कार्यकाल के दौरान जहांगीर से कितने प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, हम बात करें अकबर को, तो अकबर की एक राजपूताना पत्नी थी। अकबर के एक राजपूताना पत्नी थी जिसका नाम हरखा बाई रखा गया था। हरखा बाई या उन्हीं को हीरा बाई भी कहा जाता है, जो अकबर की राजपूताना वाइफ थी। और वो हरखा बाई या हीरा बाई जो थी वह आमेर के राजा भारमल की पुत्री बताई जाती है। मैं आपका दिमाग खोलना चाहूं तो पीछे के थोड़े से कहानी को आपको मैं यहां पर बताना चाहूं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अकबर की जो राजपूताना पत्नी थी उनका नाम हरखा बाई था। बात को समझिएगा, अकबर की राजपूताना पत्नी का नाम हरखा बाई था। हरखा बाई को ही हीरा बाई कहा जाता है। हरखा बाई को ही क्या कहा जाता है? हीर बाई भी कहा जाता है, हीरा बाई। दोनों बात याद रखिएगा, यह अकबर की राजपूताना पत्नी थी, हरखा बाई या हीरा बाई। हरखा बाई या हीरा बाई जो थी यह आमेर के राजा भारमल की लड़की थी। आमेर के राजा भारमल को ऐसे बिहारी मल भी कहा जाता है। आमेर के राजा भारमल को क्या कहा जाता है? बिहारी मल भी बोला जाता है। आमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। आमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में। आगे अकबर ने हरखा बाई या हीरा बाई का अपना जो टाइटल दिया था, मरियम उजमानी भी अकबर ने इनको बोला था। हरखा बाई या हीरा बाई को अकबर ने जो उपाधि दिया था वह उपाधि मरियम उजमानी के नाम से दिया था। मरियम उजमानी, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, यह नाम हरखा बाई या हीरा बाई जो देख रहे हैं यह इनके फादर भारमल रखे थे। हरखा बाई या हीरा बाई जो आप नाम देख रहे हैं यह इनके पिता भारमल के द्वारा रखा गया था, लेकिन मरियम उजमानी का जो उपाधि दिया गया था वह अकबर ने दिया था। आपसे दो तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। हरखा बाई या हीरा बाई किसकी लड़की थी? तो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। हरखा बाई या हीरा बाई को अकबर ने कौन सा टाइटल दिया था? तो हरखा बाई या हीरा बाई को अकबर ने मरियम उजमानी का टाइटल दिया था। कौन सा उजमानी? मरियम उजमानी। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। यह मरियम उजमानी या हरखा बाई या हीरा बाई, जो भी कहना है कह सकते हैं, इन्हीं के कोख से अर्थात इन्हीं के शरीर से
एक औलाद पैदा होते हैं जिनका नाम जहांगीर आगे होता है। तो आपको यहां पर पता चल गया होगा कि हरखाबाई या हीराबाई के ही पुत्र जहांगीर हैं। अब थोड़ी सी कहानी को समझिएगा कि जहांगीर हमको तो पता चल गया किनके पुत्र हैं, तो हरखाबाई या हीराबाई के पुत्र कौन है? जहांगीर हैं। देखिएगा, आपको मैंने पिछले क्लास में एक और बात बताया था, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनका जो है दरगाह, या जिनका मकबरा कह सकते, दरगाह नहीं, शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा आगरा में बनाया गया है, फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार ऐसा समय आया कि अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती के से मिलने फतेहपुर सिकरी उसके आवास पर गए थे। ऐसा बताया जाता है कि उस समय जब फतेहपुर सिकरी में, आगरा में, जब सलीम चिश्ती जिंदा थे, उस समय की बात है, अकबर स्वयं उनसे मिलने गए थे, उनका दर्शन करने गए थे। और अकबर जब सलीम चिश्ती से दर्शन किए, सूफी संत, उनसे आशीर्वाद लिए और उनसे यह बात कहे कि हुजूर महाराज, आप तो बहुत बड़े सूफी हैं, आप लोगों में ईश्वर का डायरेक्ट आत्मा बसता है, सूफियों में ऐसा बताया जाता है, आप हमको एक जो है ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पत्नी हरखाबाई से जो औलाद होगा, बात को ध्यान समझिएगा, मेरी पत्नी यानी हरखाबाई या हीराबाई से जो पुत्र पैदा होगा, मैं उसका नाम आपके नाम पर रखना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात को सुना और कहा, बिल्कुल, आप जो हैं बादशाह हैं, मुगल किंग हैं, आप ऐसे महान भी हैं। अकबर ने इन बातों को जैसे ही रखा, सलीम चिश्ती जो सूफी थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आप जो है बिल्कुल, यह हरखाबाई के जो कोख से जो बच्चा पैदा होगा, जो औलाद होगा, उसका नाम आप बिल्कुल मेरे नाम सलीम पर रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि वहीं से यह कहानी जो है सलीम रखा गया था जहांगीर का नाम। जहांगीर का ऐसे वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से उसने आगरा की गद्दी को संभाला था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी लंबा नाम है, लेकिन जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा गया था, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। ऐसे जहांगीर को शेखू बाबा भी कहा जाता है। जहांगीर को भारतीय इतिहास में शेखू बाबा भी कहा जाता है। और ऐसे एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए किस एम्परर को बोला जाता है, न्याय की जंजीर के लिए किस बादशाह का नाम लिया जाता है? तो आपको बता दें, भारतीय इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। आपको बता दें कि यह न्याय की जंजीर जो थी, यह आगरा के शाहबुर्ज में जमुना नदी के दाएं तट पर खंभे में गड़वाया गया था। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने कहा कि जहांगीर का जो नाम है, वह आपके सामने तीन नाम जहांगीर का मिलता है। सबसे पहला नाम तो जहांगीर का बचपन का नाम यदि आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम जो था, वह क्या था? सलीम था। यहां आपको बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि सलीम तो बचपन का नाम था। अगर आपसे कभी बाई जब यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि यह सलीम किसके नाम पर रखा गया था, तो आपको कहानी समझा चुके हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। अकबर खुद जो है शेख सलीम चिश्ती से मिलने आगरा के सिकंदरा में गए थे, आगरा के फतेहपुर सिकरी में। यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि सलीम के अलावा अकबर का और नाम क्या मिलता है? तो आपको याद रखना है शेखू बाबा। सलीम के अलावा, सॉरी, जहांगीर का, सलीम के अलावा जहांगीर का एक और नाम मिलता है जिसको शेखू बाबा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जहांगीर का जो जन्म हुआ था, आपसे यदि कई प्रश्न पूछ दे तो याद रखना है जहांगीर का जन्म जो हुआ था वह 30 जून 1569 को हुआ था। जहांगीर का जन्म जो हुआ था वह 30 जून 1569 को हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1569 को हुआ था। आपको बता दें कि जहांगीर जो है गद्दी पर बैठा था 1605 में। जहांगीर जो है
वह गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर अगर आपसे पूछते कब बैठा था तो यह गद्दी पर बैठा था 1605 में। अर्थात कहने का मतलब है कि जब इसके पिता जहांगीर के फादर अकबर का डेथ 1605 में हो गई, आपको बताए थे कि अकबर का जो है मकबरा वह आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। जैसे ही अकबर की डेथ होती है 1605 में, अगला जो है शासक वह जहांगीर बन जाते हैं। देखिएगा, जहांगीर या सलीम या शेखू बाबा इनको कह सकते हैं। 1605 में यह गद्दी पर बैठे, किस टाइटल लेकर गद्दी पर बैठे थे? यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कौन सी उपाधि से यह गद्दी पर बैठे थे, तो आपको याद रखना है इनको उस समय गद्दी पर बैठाया गया था, वह उपाधि था नूरुद्दीन। आपसे डायरेक्ट कभी प्रश्न पूछ दे नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाह गाजी, बादशाह गाजी। देखिएगा, इसी उपाधि को लेकर जहांगीर जो है सत्ता में आए थे 1605 में। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाह गाजी की गद्दी जो है टाइटल लेकर गद्दी को संभाला था। ये तो बात है जहांगीर के जन्म, जहांगीर के गद्दी पर बैठने के, जहांगीर के सत्ता में आने की बात। अब थोड़ी सी हम जहांगीर के बारे में और विस्तृत जानकारी ले लें। आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं पीछे हमेशा से बोलता हूँ कि बात को ज्यादा समझने का कोशिश कीजिए, बात अच्छा से आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट में एकदम बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पर हम बात करें कि जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से सत्ता में तो आया, बात ठीक है। अब बात करते हैं कि जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे, ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो मिर्जा था। थोड़ा सा बात को समझिएगा, जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। जहांगीर के कितने पुत्र थे तो आपको याद रखना है, जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र का नाम खुसरो मिर्जा था। सबसे बड़ा पुत्र का जो नाम था वह खुसरो मिर्जा था, बात को समझिएगा। सबसे बड़े जो पुत्र थे जहांगीर के उनका नाम खुसरो मिर्जा था। दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम खुर्रम था, दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम खुर्रम था। तीसरे जो पुत्र थे उनका नाम सहरयार था, तीसरे जो पुत्र थे उनका नाम सहरयार था। चौथे जो पुत्र थे उनका नाम परवेज था, चौथे पुत्र का जो नाम था परवेज था। और पांचवे जो पुत्र थे उनका नाम जहादार था, पांचवे पुत्र का नाम जहादार था। यह जहांगीर के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा, दूसरे नंबर के पुत्र खुर्रम, तीसरे नंबर के पुत्र सहरयार, चौथे नंबर के पुत्र परवेज और पांचवे नंबर के पुत्र जहादार है। आपको बता दें कि जहांगीर की बहुत सारी पत्नियों का जिक्र भारतीय इतिहास में किया गया है। जहांगीर की बहुत सारी पत्नियों का जिक्र जो है भारतीय इतिहास में मिलता है, लेकिन जहांगीर की जो पहली पत्नी थी उनका नाम मन्ना बाई था। देखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जहांगीर के पत्नी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। जहांगीर की तो पत्नी के बारे में बहुत सारी पत्नियों का जिक्र किया गया है, लेकिन जहांगीर की जो पहली पत्नी थी, आपसे कई प्रश्न पूछ दी कि जहांगीर की पहली पत्नी कौन थी, जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मन्ना बाई था। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मन्ना बाई था। आपको बता दें कि यह मन्ना बाई जो जहांगीर की पहली राजपुताना पत्नी थी। आपको बता दें कि जहांगीर की यह पहली जो है सॉरी पहली नहीं जो जहांगीर की पहली पत्नी है लेकिन राजपुताना पत्नी नहीं, राजपुताना पत्नी जोधाबाई जो है, आगे हम बात करेंगे। पहली पत्नी मन्नाबाई थी। मन्नाबाई कौन थी इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। मन्नाबाई जो थी यह आमेर के शासक उस समय जो थे उनका नाम था भगवान दास। बात को ध्यान समझिएगा, मन्नाबाई कौन थी तो यह भगवान दास की पुत्री थी। मन्नाबाई कौन थी तो आपसे एक प्रश्न पूछ दे तो आमेर के राजा भगवान दास की लड़की मन्नाबाई थी। अर्थात मन्नाबाई के पिता का नाम क्या था? भगवान दास था। मन्नाबाई के भाई का नाम जो था, याद रखना है, उनका नाम मानसिंह था। मन्नाबाई के भाई का नाम मानसिंह था। भगवान दास इनके पिता थे मन्नाबाई के, मानसिंह इनके भाई थे मन्नाबाई के। यहां तक आपको बात समझ में आएगी। ये मन्नाबाई पहली पत्नी हुई जहांगीर की, राजपुताना पत्नी, याद रखना है।
राजपूताना पत्नी हुई, पहली राजपूताना पत्नी हुई मन्ना भाई जहांगीर की, जो भगवान दास आमेर के राजा थे। भगवान दास कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे, उन्हीं की पुत्री थी। अभी हम बिहारी मल या भारमल पर बात किए, उन्हीं के लड़का भगवान दास थे, और भगवान दास के लड़का जो थे मान सिंह थे, और यह मन्ना भाई उनकी पुत्री थी। आपको उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। और हम बात करें इसके अलावा जहांगीर की एक और पत्नी का जिक्र मिलता है यहाँ पर, थोड़ी सी हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं। देखिएगा, जहांगीर की एक और पत्नी है जिनका नाम जोधा बाई मिलता है। जहांगीर की जो दूसरी राजपूताना पत्नी थी उनका नाम जोधा बाई है। देखिएगा, यह दूसरी पत्नी थी जहांगीर की, जो दूसरी पत्नी थी इनका नाम जोधा बाई है। इन्हीं को जगत गोसाई भी कहा गया है, जोधा बाई या जगत गोसाई, जोधा बाई या जगत गोसाई, यह दूसरी पत्नी जहांगीर की है। यहां आपको बात समझने की जरूरत है। पहली पत्नी तो आप देख लिए, मन्ना बाई, भगवान दास आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। इनके भाई का नाम, मन्ना बाई के भाई का नाम मान सिंह था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पत्नी का नाम जोधा बाई या जगत गोसाई है। कितने लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जोधा बाई तो सर अकबर की पत्नी थी, जो कि बिल्कुल गलत है। जोधा बाई जो थी वह जहांगीर की दूसरी राजपूताना पत्नी थी। और आपको बता दें कि जोधपुर के शासक राणा उदय सिंह, याद रखिएगा, जोधपुर के शासक राणा, मोटा राणा उदय सिंह पूरा नाम है उनका, जोधपुर के शासक उदय सिंह की यह पुत्री थी। एक कहानी ऐसा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जोधपुर के जो शासक उदय सिंह थे वह राजपूत किंग थे, यहां पे आप भगवान दास भी देख रहे हैं, राजपूत किंग थे। जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री बताई जाती है जोधा बाई, या इनका बचपन का नाम जगत गोसाई था। जोधा बाई या जगत गोसाई आपको याद रखना है, किसके, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था वह था, जोधपुर के शासक कौन थे? तो उदय सिंह थे। उदय सिंह के एक भाई थे जिनका नाम चंद्र सेन था। उदय सिंह के एक भाई थे जिनका नाम चंद्र सेन था। उस समय जोधपुर का सत्ता चंद्र सेन के हाथों में था, अर्थात उस समय जोधपुर के शासक चंद्र सेन थे। अकबर ने चंद्र सेन को गद्दी से हटा दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि अकबर ने चंद्र सेन को पराजित कर दिया जोधपुर जाकर, और जोधपुर का अगला शासक जो है अकबर उदय सिंह को बना दिए। बात को ध्यान समझिएगा, कहानी क्या है। उस समय जोधपुर के शासक जो थे चंद्र सेन थे। जोधपुर के शासक कौन थे? चंद्र सेन, जो उदय सिंह के भाई थे, बड़े भाई। उनको जो है अकबर ने चंद्र सेन को परास्त कर दिया जोधपुर में, और अगला जो है जोधपुर का शासक अकबर ने उदय सिंह को नियुक्त कर दिया। इसी बात से खुश होकर उदय सिंह ने एक प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। इसी बात से प्रसन्न होकर उदय सिंह ने, क्योंकि जोधपुर का सत्ता दिलाने में अकबर का सबसे अहम रोल था, अकबर का सबसे अहम भूमिका थी उदय सिंह को, इस बात से प्रसन्न होकर उदय सिंह ने अकबर से एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप बुरा ना माने तो मेरी पुत्री जगत गोसाई या जोधा बाई की शादी आप अपने लड़के सलीम से कर सकते हैं। अकबर ने, आपको बता दें, जैसे ही यह प्रस्ताव सुना उसने इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी भर दिया, अर्थात अकबर जो है इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिए, इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ऐसा बताया जाता है कि भारतीय इतिहास में यह अकबर का सुलह कुल नीति था, अर्थात भारतीय इतिहास में आज तक कोई ऐसा मुगल एम्परर नहीं हुआ, हालांकि राजपूताना के साथ तो वैवाहिक संबंध था, लेकिन ऐसा कोई मुगल बादशाह नहीं हुआ था जो किसी राजपूत के द्वार पर अपने बेटे का बारात लेकर जाए। कहने का मतलब है कि अकबर ने इस परंपरा को मुगल बादशाह में तोड़ दिया। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का बारात जो है, उदय सिंह जोधपुर के मोटा राजा का टाइटल भी दिया था अकबर ने। आपको बता दें, यह भी प्रश्न कई पूछता है कि मोटा राजा उदय सिंह उनका पूरा नाम था, तो मोटा राजा का टाइटल उदय सिंह को अकबर ने दिया था, पूरा नाम मोटा राजा उदय सिंह था। तो आपको बता दें कि यह सुलह कुल नीति को अकबर ने पालन किया था। इस तरह का पहला बादशाह बताया था है जो अपने पुत्र का बारात किसी दूसरे राजपूत शासक के यहाँ लेकर गया हो, अर्थात कहने का मतलब यह उस समय मुगलों की परंपरा में नहीं थी, वह किसी के दरवाजे पर अपनी बारात जो है घुटना टेकने बारात लेकर नहीं जाते थे। इस तरह से अकबर ने इस प्रथा का खत्म किया, अंत कर दिया,
और अपने पुत्र सलीम का बारात जो है वह उदयपुर के जोधपुर के शासक उदय सिंह के यहाँ लेकर गए थे। इस तरह से भारतीय इतिहास में जो है अकबर को इस परंपरा को सुलह कुल नीति के अंतर्गत बताया गया है। यह पहला ऐसा काम किया था अकबर ने जो अपने लड़का का बारात जो है किसी राजपूत के दरवाजे पर लेकर गया था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जोधाबाई या जगत गोसाई जहांगीर की दूसरी राजपूत पत्नी है, जबकि जहांगीर की पहली राजपूत पत्नी मन्नाबाई जो आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की जो है बहन थी। बात क्लियर है। अब थोड़ी सी कहानी को हम आगे समझें। यहां पर मैंने लिखा कि जहांगीर के कुल 5 पुत्र हैं। भाई यार खुसरो मिर्जा तब किनका पुत्र था? जो बड़ा लड़का था जहांगीर का खुसरो मिर्जा, वह किनका पुत्र बताया जाता है? आपको बता दें यह खुसरो मिर्जा जो पुत्र है वह याद रखिएगा मन्ना बाई के शरीर से था। खुसरो मिर्जा जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था वह मन्ना बाई का लड़का था, मन्ना बाई का पुत्र था। लेकिन खुर्रम जो थे जहांगीर के दूसरे लड़के वह जगत गोसाई के पुत्र बताए जाते हैं। दोनों बात याद रखिएगा। खुर्रम जो है आगे चलकर यही व्यक्ति शाहजहां होंगे। आगे चलकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था जब अहमदनगर के वजीर मल्लिक अंबर के विरुद्ध खुर्रम ने सफलता हासिल की। बात को ध्यान समझेगा। अहमदनगर के वजीर मल्लिक अंबर को खुर्रम ने परास्त किया था। अहमदनगर के वजीर मल्लिक अंबर को खुर्रम ने परास्त किया था। उसी बहादुरी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की टाइटल से दिया था, उसी बहादुरी पर प्रसन्न होकर। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि किसको परास्त किए थे? तो मल्लिक अंबर अहमदनगर के वजीर था, उसको खुर्रम ने परास्त किए थे। तो यहां पर खुर्रम किसके पुत्र हैं? तो याद रखना है जोधाबाई या जगत गोसाई के कोख से खुर्रम है, और यहां पर याद रखना मन्ना बाई के कोख से कौन है? तो सबसे बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि 1605 ईस्वी में जैसे जहांगीर 1605 में सत्ता में आए, उसी समय खुसरो मिर्जा अर्थात जहांगीर का सबसे बड़ा लड़का अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो मिर्जा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह सत्ता को लेकर हुआ था। गद्दी छीनने और लेने की बात हो रही थी। जैसे विद्रोह 1605 में किया, ऐसा बताया जाता है कि खुसरो मिर्जा को एक जो है जो सिख गुरु, 5वें गुरु आपको पता है, गुरु अर्जुन देव ने भड़काया था विद्रोह करने के लिए। हालांकि ऐसा भारतीय इतिहास में एक दो जगह लिखा भी हुआ है कि खुसरो मिर्जा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव से मिलने गोइंदवाल में गया था। सिख गुरु जो है 5वें अर्जुन देव जो थे उनसे मिलने स्वयं खुसरो मिर्जा उनके कुटिया पर गया था, उनके दरबार में गया था। और ऐसा बताया था कि मिलने इसलिए गया था कि वह उनसे आशीर्वाद लेने गया था कि महाराज सिख गुरु हम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, आप मुझे विजयी भव होने का जो है आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा बताया जाता है कि वहां पर अर्जुन देव ने खुसरो मिर्जा को आशीर्वाद भी दिया है, खुसरो मिर्जा को विजयी भव होने का आशीर्वाद भी दिया है। और इस बात की जानकारी जब जहांगीर को चलती है, जहांगीर जब यह बात जानते हैं कि मेरे पुत्र खुसरो मिर्जा को जो है सिख के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं उन्होंने भड़काया है, दोनों को जो है जहांगीर गिरफ्तार कर लेते हैं। अर्थात अपने पुत्र खुसरो मिर्जा को भी और सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार दोनों को करने के बाद जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो मिर्जा की एक आंख फोड़वा दी थी। जहांगीर अपने पुत्र खुसरो मिर्जा की एक आंख फोड़वा दी थी और अर्जुन देव की कत्ल करा दिया, अर्थात अर्जुन देव की हत्या करा दी। इससे पहले जहांगीर ने अर्जुन देव पर 2500 रुपया का जुर्माना भी लादा था, टैक्स भी लादा था, जिसको अर्जुन देव ने नहीं चुका पाया। आगे चलकर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने पुत्र खुसरो मिर्जा की एक आंख फोड़वा दिया था। और आगे चलकर जबकि 1622 ईस्वी में खुसरो मिर्जा की खुद देहांत हो जाती है, उसके बाद जो है वहां पे जो है कहानी इन लोगों का समाप्त हो जाता है। आपको बता दें सिख के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, अमृतसर में हरमंदिर साहिब जो आज हम लोग गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उस हरमंदिर साहिब पर सोने का लेयर चढ़वाया था। आपसे कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि सिख गुरु 5वें जो अर्जुन देव थे उन्होंने अमृत शहर में हरमंदर साहिब जो जिसको आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं,
उस स्वर्ण मंदिर पर सोने का लेयर, ऊपर से जितने भी सोने की परत थी, वह अर्जुन देव ने चढ़ाया था। लेकिन कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि जो हरमंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, उस पर सोने का कलश किसने लगवाया था, तो याद रखना है महाराणा रणजीत सिंह ने लगवाया था। महाराणा रणजीत सिंह ने उस गोल्डन टेम्पल या हरमंदर साहिब पर सोने का कलश बिठाया था, पंजाब के शासक महाराणा रणजीत सिंह। चलिए, ये तो एक छोटा मोटा ओवरव्यू था जो हम लोग जहांगीर पर थोड़ा सा डिस्कस किए। कल के टॉपिक में हम लोग जहांगीर को और आगे बढ़ाएंगे। आपको तमाम उन जहांगीर से जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक बातों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको पता ही है, आज के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है आज विराम लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जहांगीर के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे फिर वही एक अनुरोध है, वही विनती है, वही निवेदन है, वही आरजू है, वही जो है अपनी एक इच्छा भी है कि भाई मेरे प्लीज, यदि मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है, मेरी बात आपको समझ में आती है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो प्लीज एंड प्लीज एक बार जो है अपने इस गुरु के लिए, जो भी समझे, गुरु समझे, भाई समझे, बंधु समझे, जो भी समझे, उस नाते कम से कम एक बार जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आप जो है अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। मैं आपके कमेंट को देखने के लिए ललायत रहता हूं, क्योंकि मेरा जो है एनर्जी, मेरा ऊर्जा, मेरा शक्ति सब आप हैं, सब आप हैं, सब आप हैं, क्योंकि जब तक आप हमको उत्साहित नहीं करेंगे, मेरा मनोबल